दूल्हा आया है हमारे घर में। जल्दी जल्दी काटो। मैंने सोचा मैं कलर करवाने वाली हूँ। हम आ गए, हम आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग आए हैं पेरिस में, तो हमारा अचानक से प्लान बन गया। सही आ रहा है यार तुम्हारे फोन में, बहुत अच्छा। ये करंट क्यों आ रहा है यार मेरे पास? अब मैं बिजली हूँ ना, वो मेरे में से आ रहा है। मैं शक्तियों का बता, शिवा ये शिवा करंट से जलता रही और ये ईशा ये करंट से जलता रही है। कौन हो तुम? मैं शिवा की मम्मी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने कुछ। हम लोग यहाँ पे, हम लोगों को आए हुए कितने, एक घंटा हो गया है। हम लोग अभी तक ऐसे घूम रहे, क्या करे क्या करे, बहसबाजी चल रही है कि किसको घूमना है किसको नहीं घूमना है। ऐसी जगह जानी है जहाँ पे बहुत मजे कर पाए, यानी हम सबको ही जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे कभी गए नहीं, बहुत ज्यादा मजे हो वहाँ। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम मजे कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी दो तीन चीज दिखी है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अभी पहले खाना खाने, क्योंकि समरीन खा कर नहीं आए, तो चलो पहले खाते हैं हम कुछ खाएंगे। ये वकांडा देखेगा लड़की है ना, इसलिए अच्छे से हंस लेता है लड़कियों की तरह। देखो और मैं आपको कैसी लग रही, मेरा लुक दिखा दो जरा। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गाइस। अरे ये देखो शक्ति। यार यहाँ पे इतना नजारा अब दिख रहा है मुझे, मतलब यहाँ पे जाने का पता नहीं। करंट आ रहा है यार सबके पास से, करंट मैंने बताया ना, मैं अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बता सकता ऐसे पब्लिकली। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है, ये सब मैं खरीदने वाली हूँ। क्या मैंने खरीद लिया उनसे पहले? ठीक है, खरीद लिया मैंने। सुपर ड्राई, सुपर नोवा। माय गॉड, सुपर नोवा भी मेरी है। तुम अभी राज मत खोलो यार, धीरे धीरे खोलेंगे। कौन सी बिल्डिंग हमारी, कौन सी नहीं? आज हम अपनी उसके लिए आए हैं, मीटिंग के लिए आए हैं उनसे, इन्वेस्टर्स से। तो हमारी एक बिजनेस हम खोल रहे हैं जिसकी मीटिंग हम अभी करने वाले हैं। अभी हम बहुत दिनों बाद नॉनवेज खाने वाले हैं। और गाइस आप लोग प्लीज मुझे बताना आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं कोरियन गर्ल लग रही हूँ ना, सस्ती वाली सस्ती कोरियन गर्ल। यहाँ पे सब लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ क्या। और अब हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। ओ पहुँच ही गए हम नजीर। ये रहे ये रहे। गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। और अभी हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था बाहर से आने के बाद कि हम लोग अपना हेयर कलर कराएंगे। ये बाल हमारे थोड़े से वैसे हो गए रूखे रूखे से, 4 महीने पहले स्पा भी करवाया था और कलर भी फेड हो गया, तो मैंने सोचा चलो करवा लेते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। और समरीन इस बार ही नया कलर चेंज करवाने वाली, तो आप उसके व्लॉग में देखना, पता नहीं कुछ अलग ही और एक्सपेरिमेंट करने वाली अपने बालों पे। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने फटाफट से, क्योंकि लेट हो जाएगा, अगर लेट हो जाएगा तो कलर करने के लिए वो मना कर देते हैं, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा हमें। तो चलो अभी चलते हैं। अम्मी भी आज जा रही हमारे साथ, थोड़ा सा अभी कभी तो करें हम। तो मैं मिलती हूँ आपको सीधा तैयार होके, क्योंकि फटाफट तैयार होना है अभी। तो गाइज हमेशा की तरह सबसे पहले मैं नीचे आ रही हूँ, क्योंकि मुझे ही रिक्शा रुकवाना पड़ता है। तो चलो चले, हील ऐसी अजीब सी पहन के आ रही हूँ, ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगी। मेरे पास घर में लिफ्ट है, पर मैं डर से नहीं जाती, क्योंकि ये हॉन्टेड लिफ्ट है यार, इसे बिल्कुल नहीं जाया जाता इस लिफ्ट के अंदर। तो मैंने भैया मैंने मना कर दिया कि भैया मैं तो आपसे नहीं जाऊंगी इस वाले लिफ्ट में, कुछ कुछ होता है और कुछ आवाज़ आवाज़ भी आती है। तो अभी हमारा हेयर कलर नहीं हो पाएगा, कल आना पड़ेगा हमें वापस। मैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ सबकी वीडियो ले रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा अभी अच्छा, तक। अभी होगा तुम्हारा ही। मैंने सोचा मैं कलर करवाने वाली हूँ, बता दूंगी आपको कैसा कलर है मेरा। ये बाल मेरे बिल्कुल वैसे हो गया प्लेन से, मतलब अभी भी ठीक है, लेकिन मुझे कलर चाहिए मेरे बालों पे, थोड़ा डैमेज सा भी हो रहा है। अम्मी का हेयर कट हो चुका है, बस सबका सब कुछ हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। ये देख लो भैया, मोटू ठूस रही है यहाँ पे। गाइस मुझे इतनी भूख लग रही है ना, इतना सारा ठूस लेके निकाला है इसने। ओह माय गॉड, मेरा है कचरा लगाएगी गाइस ये यहाँ पे सलून में। तो अभी मेरा होने वाला है फुट मसाज बरसों बाद, चलो कुछ तो हो रहा है मेरा। और यहाँ मैं पी रही हूँ अपनी कॉफी। इसको देखो कितनी उतावली हो रही है खाने के लिए। तो
गाइस अभी आज हम लोगों का कुछ हुआ नहीं, सिर्फ फुट मसाज हुआ था और बस कलर डिसाइड किया है क्योंकि टाइम बहुत कम था तो हो नहीं पाता दोनों का कलर, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि एक साथ ही कराएंगे। कल हम लोगों ने सोचा कि चलो आ जाएंगे, शूट भी है और कलर करवा लेंगे अगर टाइम हमें मिला तो। यार ये ड्रिंक चुरा रही थी यहाँ से, फोन पे बात कर रही थी, कौन सी ड्रिंक चुरानी है बता दो। जी, ये चोर है, चोर। गाइस मैं आज सुबह से उठ गई हूँ क्योंकि आज हमारे घर पे आने वाले हैं कुछ गेस्ट की, मेरी कजन आ रही है, मतलब मेरे मामा आ रहे हैं और मेरी सारी कजन भी आ रहे हैं, मतलब सारे नहीं आ रहे हैं, उसकी शादी हो गई, जो बचे हैं वो आ रहे हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। मैं सुबह सुबह भूख लग रही इसलिए मैं च्युइंग गम चबा रही हूँ और वो लोग बस रास्ते में ही है, बस आने वाले हैं। हम लोगों ने तैयारी कर ली है पूरी, हम लोगों ने सोचा स्वागत के लिए कुछ करना चाहिए तो यहाँ हम लोगों ने स्वागत के लिए मंगाया है ये फूल। तो गाइज ये है हमारा माला, बिल्कुल तैयार है हम लोग स्वागत के लिए, अब बस इंतजार है मेहमान का और बस उनको हम पहना देंगे, ये बहुत मजा आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ये फूल जो है छोटे छोटे यहाँ पर ये सारे मैं इनको तोड़ तोड़ के इस न्यूज़पेपर पे रख रही हूँ ताकि फेंकने में मदद आए, पूरा फिल्मी वेलकम करने वाले हैं हम लोग। चलो भैया जल्दी कर लेते हैं, इन सब चीजों में बड़ा मजा आता है, मैं पहली बार ऐसे किसी का स्वागत करने वाली हूँ, मैं नहीं हम सब करने वाले हैं। गाइज वो लोग आ गए, चलो स्वागत करते हैं। तो अभी बन रहा है खाना हम लोगों का दोपहर का और अभी 3 बज रहे हैं। आज वीडियो डालने वाली थी पर नहीं डाल पाई क्योंकि एडिट नहीं हुई। खाना खाया करेंगे क्योंकि हमारे घर में मेहमान आ गए और मोटे हो जाएंगे। अब आप लोग सोचोगे कि घर में मेहमान आ गए तो क्यों खाएंगे, क्यों हम लोग मेहमान जब आते हमारे तो हम लोग फिर प्रॉपर खाना खाते हैं, दिन में भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, शाम को भी खाएंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या खाने में क्या क्या बनाया। चलो ये आया है मेरे लिए रामदाना बोलते हैं शायद, और पता नहीं और भी कुछ बोलते हैं बर्तन का झमेला। यहाँ पर चन की हालत, मक्कू नहीं दिख रहा, मम्मी मकासा कहाँ है दिख नहीं रहा, लेकिन बताना कहाँ है। हमारा प्यारा मुक्की यहाँ पे सो रहा है और ये एक दूल्हा आया है हमारे घर में, ऐसे शर्माने से कोई देखा ही नहीं हूँ, अच्छा भी पता चला किसके पास ज्यादा ताकत है। ये देखो दिख गया दिख गया दिखा, कान तो दिखे, अब कोई फायदा नहीं इसको, देखो कैसे है छुप रहा है अभी, ये थोड़ा शर्मीला है इसलिए दिखाता नहीं है अपना चेहरा। ये देखो यहाँ पे जलेबी आया, जलेबी नहीं है ये इमरती है, जो भी अच्छा है गरम गरम। इसके लिए बिल्ली ढूंढी जा रही है, इसके लिए इतने दिन से खोजा ही जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सब थक गए थे और सब ट्रेवल करके आए थे तो जब जल्दी सो गए और अभी मुझे एडिटिंग करनी है तो मैं अभी सोने वाली हूँ बस, क्योंकि अभी बज गए सुबह के 5। तो ये भी खत्म कर रही हूँ मैं अपना व्लॉग और अब मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।